हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ एन इंडियन लेडी। मैं हूँ आपकी अमिता। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो हमारे स्किन से रिंकल, ब्लेमिशेस और टैन परमानेंटली कैसे गायब कर सकती हो। जी हाँ, उम्र के साथ साथ हमारे चेहरे पे रिंकल्स तो आ ही जाते हैं और अगर हम बाहर जाते हैं तो टैन आ ही जाते हैं। ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है और जब हम स्किन को डेली बेसिस पे वॉश नहीं कर पाते, टेक केयर नहीं कर पाते, तो ब्लेमिशेस ऑटोमेटिकली आ जाती है, जिससे कि हमारा जो एक्चुअल ग्लो स्किन होती है वो छुप जाती है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एंड नो साइड इफेक्ट वाली होम रेमेडी, जहां पे आप स्किन पे अगर यूज करोगे, अप्लाई करोगे, आपको एक हफ्ते के अंदर डिफरेंस नजर आएगी, आपका जो ओरिजिनल स्किन टोन है वो बाहर आ जाएगी। तो चलिए, समय बर्बाद करते ना हुए हम हमारे इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे लूंगी 2 चम्मच दही। दही में लैक्टिक एसिड है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली रिंकल्स के लिए। और उसके साथ मैं लूंगी 1 चम्मच हल्दी। हल्दी मीन्स टर्मरिक। टर्मरिक हमारे स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह। तो मेरा जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है और मैं इसे अभी अपने स्किन पे अप्लाई करने वाली हूँ। तो ये मैं अपने पूरे स्किन पे अप्लाई करने वाली हूँ, इंक्लूडिंग माय नेक। हम जब अपने स्किन पे ऐसे अप्लाई करेंगे, इसे ऐसे सर्कुलर मोशन पे हम इसे अप्लाई करेंगे। दही में लैक्टिक एसिड होती है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली रिंकल्स के लिए। हफ्ते में 2 या 3 बार ये मास्क यूज करने से आपका जो नेचुरल ग्लो है वो आपके चेहरे पे नजर आएगी और आपका स्किन बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाएगी। इसे मैंने अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई कर दिया है और अभी मैं इसे 20 से 25 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी जब तक ना सूखे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मेरा जो मास्क था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो मैं हल्के हाथों से अभी इसे थोड़ा सा पानी लेके मैं इसे मसाज करूंगी, ऐसे राउंड मोशन पे मसाज करना है। तो मैंने फेस धो लिया है, अब मैं इसे वाइप कर लूंगी। मैंने एकदम ठंडे पानी से फेस धोया है। तो फ्रेंड्स, मैंने फेस को अच्छे से वाइप कर लिया है और आपको डिफरेंस नजर आ रही होगी। ये देखिए कितना ग्लो कर रहा है, पहले से आपको डिफरेंस खुद नजर आ रही होगी। देखिए और कितना सॉफ्ट हुआ है मेरा स्किन। दही है तो बहुत ही स्किन को सॉफ्ट कर देता है और क्योंकि हल्दी है तो हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, एज वेल एज दही। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। जिसका सेंसिटिव स्किन है वो भी बेझिझक यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलते हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।